हेलो साथियों नमस्कार मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पूरा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी परिवार में तो साथियों क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हाँ मेरे मोबाइल में भी स्टार्ट हो चुकी है तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन और आज के सेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है ना मोबाइल की ना लैपटॉप की तो अभी सर ने इसको चला दिया और जानते हो ना हम भाई पड़, मतलब पढ़ाकू हैं इन सब मामलों से बहुत दूर रहते हैं मुझे ये नहीं पता होता है मेरे मोबाइल में कौन कौन से ऐप्स है चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज हमें साथियों बातचीत का करना है तो जो हम बात कर रहे थे वाच्य की उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था वाच्य तीन प्रकार के होते कर्ता वाच्य कर्म वाच्य तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था तीनों वाच्य के बारे में बता दिया था कि कर्ता किसे कहेंगे कर्म किसे कहेंगे और भाव किसे कहेंगे आज हम बात आज हम बात करने वाले हैं कर्ता वाच्य को ध्यान दीजिएगा कर्ता वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना कर्ता वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना सभी लोग तैयार हो जाएं बदलने के लिए फटाफट पड़ क्योंकि आज इस चैप्टर को द एंड करना है इसीलिए हमने वाच में आपको तीन दिन दिए वैसे हमारे लिए तो वाच एक दिन का था हमारे लिए वाच एक दिन का था लेकिन हमने फिर भी आपको थ्री डेज दिए हैं वाच में ठीक है यहाँ पर हमने क्या बताया कर्तावाच्य को कर्म में बदलना तो जब भी मेरे साथियों को कर्म में बदलेंगे सबसे सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा पहले जो होता था बस यह बात आप याद रखना संस्कृत में भी यही बात है कर्ता की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता वाच्य यहाँ पर लिख लेते हैं कर्तावाच्य आज मैम आपसे कोई बात नहीं करेंगी कोई आपका कमेंट नहीं देखेंगी ना आप कोई कमेंट करेंगे सिर्फ ध्यान पूर्वक आप इसको देखेंगे कि कैसे किसमें बदलेगा क्योंकि फिर हम आपको कोई सोल्यूशन नहीं देने वाले प्रथमा द्वितीय में क्या कंफ्यूज का देखेगा सबसे पहले कर्तावाच्य तो कर्तावाच्य क्या होता है कर्तावाच्य में होती है कर्ता की प्रधानता और जिसकी प्रधानता होगी उसमें प्रथमा होगी जिसकी प्रधानता होगी उसकी प्रथमा होगी जैसे अगर कर्तावाच्य है तो कर्ता वाच्य में कर्ता प्रथमा में होगा क्यों क्योंकि कर्ता की प्रधानता है कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता है तो कर्म प्रथमा में होगा तो कर्ता वाच्य का कर्ता हमेशा किस में रहेगा प्रथमा में रहेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर मेरे साथियों जो कर्म होगा कर्म किस में होगा कर्म द्वितीय में होगा फिर इसके बाद जो क्रिया होगी क्रिया कैसी होगी एकल होगी अकर्मक और सकर्मक को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है क्लियर इनसे मिलकर बनता है आपका पूरा एक वाक्य अब यहाँ पर आता है अगर हम कर्ता वाच्य से कर्म वाच्य बना रहे हैं कर्ता वाच्य से कर्म वाच्य बना रहे हैं तो जो कर्ता है कर्ता भैया कर्म वाच्य में भी होगा और कर्तवाच्य में भी होगा तो इसमें देखेगा कर्म वाच्य की बात करें तो कर्म वाच्य में हमेशा कर्ता जो होगा वह मेरे साथियों तृतीय में होगा में में होगा में होगा अब अगर होगा तो इसमें क्या जुडेगा से या द्वारा जुड़ा होगा क्या जुड़ा होगा से या द्वारा जुड़ा होगा ठीक है जो मेरे साथियों कर्म होगा कर्म को हम प्रथमा में रखेंगे कर्म को किसमें रखेंगे प्रथमा में रखेंगे अगर को होगा तो उसको हमें हटाना होगा अगर को होगा तो उसको हटाना होगा अगर को होगा तो उसको हटाना होगा सुनीता मैं आपके आपका मतलब नहीं समझ पा रही हूँ मा, मात्राओं का ज्ञान भी करना क्योंकि हम ज्ञान नहीं है इस वाली लैंग्वेज को आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आया मैं हिंदी की टीचर हूँ फिर भी इस भाषा को नहीं समझ पा रही हूं सी सही है और शुद्ध लिखे देखिएगा फिर इसके बाद साथियों तीसरा है तीसरा क्या है क्रिया इसमें क्रिया हमेशा कैसी होगी संयुक्त होगी और साथ ही साथ कर्म के लिए जरूरी है कि क्रिया सकर्मक हो। कर्म के लिए जरूरी है कि क्रिया सकर्मक हो तो सबसे पहले कर्ता तृतीया में कर्म प्रथमा में क्रिया संयुक्त और क्रिया संयुक्त होगी क्रिया कैसी होगी संयुक्त और सकर्मक होगी क्रिया संयुक्त और सकर्मक होगी अब सभी लोग तैयार हो जाएं यहां से हम आपको चेंज कराने जा रहे हैं बहुत इतमान से समझना जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे राधा राधिका आज नहीं आई है देखिएगा यहां पर हमने क्या कहा हमने आपसे कहा राधा राधा पत्र पढ़ती या राधा पत्र को पढ़ती है सभी लोग बहुत ही केयरफुल होकर समझे और सुने जो एक बार ध्यान से पढ़ेगा ना एक एग्जाम्पल को आपने ध्यान से पढ़ लिया सो एग्जाम्पल के बराबर है दोबारा आप ये नहीं कहेंगे इसको दोबारा बता दो इसको दोबारा बता दो राधिका देखिएगा क्या कह रहे राधा पत्र को पढ़ती है अब इसमें जो क्रिया है क्रिया क्या कहती है पढ़ती है यानी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है तो पढ़ने का कार्य कर रही है राधा पढ़ने का कार्य कौन कर रही है राधा कर रही है तो राधा क्या है करता है ध्यान दीजिएगा ठीक है अब राधा क्या कर रही है क्या पढ़ती है पत्र को पढ़ती है पत्र क्या हो गया कर्म हो गया और पढ़ती है क्या हो गई क्रिया हो गई इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी यहां तक तो आपको कौनो डाउट नहीं होगा क्लियर समझ आ गई अब हमें ये जो वाक्य है ये मेरे साथियों कर्ता वाच्य में है ये वाक्य कर्ता वाच्य में है क्यों है देखिएगा यहाँ पर जो प्रधानता है राधा पढ़ती है राधा स्त्रीलिंग में है और क्रिया भी मेरे साथियों स्त्रीलिंग में है जबकि कर्म पुल्लिंग में है कर्म किस में है पुल्लिंग में है कर्ता स्त्रीलिंग का क्रिया स्त्रीलिंग की जबकि मेरे साथियों कर्म पुल्लिंग का कर्ता स्त्रीलिंग का कर्ता स्त्रीलिंग का क्रिया स्त्रीलिंग की जबकि कर्म मेरे साथियों पुलिंग का है जबकि कर्म मेरे साथियों पुल्लिंग का है ठीक तो है तो कर्ता कर्ता के अनुसार क्रिया लगी है अर्थात ये वाच्य जो है वह कर्ता वाच्य हो जाएगा अब आप लोगों का कहना है कि मैम इसको थोड़ा कर्म वाच्य में बदल देते हैं किस में बदलेंगे कर्मवाच्य में एक एक को करेंगे कर्म वाच्य क्या कहता है कि जो करता है उसमें तृतीया लगा दो क्या लगा दो तृतीया तो हम कहते हैं करता ने क्या कहते हैं करता ने द्वितीय कहते हैं कर्म को और तृतीय कहते हैं करण से।, से लगा लो या द्वारा लगा लो तो क्या हो जाएगा राधा द्वारा क्या हो जाएगा राधा द्वारा अब क्या कहता है कर्म या तो हम प्रथमा में करेंगे और अगर को होगा तो उसको हटा देंगे क्यों क्योंकि कहता है कर्ता ने कर्म को कर्ता वाच में कर्म द्वितीय में होता है कर्ता वाच्य में कर्म द्वितीय में होता है तो यहाँ पर कर्म द्वितीय में है यहाँ पर कर्म द्वितीय में है कर्म किस में है द्वितीय में है तो ये कर्म करता वाच्य होगा हम यहाँ से क्या करेंगे को हटा देंगे तो पत्र को पत्र लिख देंगे को हटा दिया अब देखिए राधा द्वारा पत्र कहती है पढ़ती है लेकिन हमें क्रिया कैसी करनी है संयुक्त संयुक्त तो मतलब दो क्रियाएं रखनी है इसमें क्या रखनी है दो क्रियाएं रखनी है तो हम क्या कहेंगे राधा द्वारा पत्र पढ़ा जाता है देखिएगा यहां पर है, है यहां पर भी है आया ठीक है यहाँ पर ती है आया है क्या है ती है आया है यहाँ पर ता है आया है क्योंकि पत्र के अनुसार लगा है अगर होता राधा पत्र को राधा पत्र को राधा ने पत्र को पढ़ा राधा ने पत्र को पढ़ा तो क्या हो जाएगा राधा द्वारा पत्र पढ़ा गया इसको भी करा रहे हैं क्या इतनी बात समझ में आई राधा द्वारा पत्र पढ़ा जाता है बिल्कुल सही कीर्ति कोमल कहती है राधा द्वारा पत्र पढ़ा जाता है बिल्कुल सही शिवाजी आप सभी का सही है क्लियर जल्दी से इसको नोट कर लो देख लिया सभी ने हो गया चलिए अब देखिएगा सभी लोगों ने नोट कर लिया चलिए देखिएगा अब यहाँ पर मान लीजिएगा हमने आपके सामने एक और सेंटेंस दिया ध्यान देना सभी लोग अगर हमने आपसे कहा राधा ने पत्र पढ़ा राधा ने पत्र पढ़ा ध्यान दीजिएगा राधा ने पत्र पढ़ा सभी लोगों को दिख रहा होगा तो मेरे साथियों यहाँ पर करता आया देखिए कर्ता कौन पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है राधा और राधा के साथ क्या आया है ने आया है तो यहाँ पर ये जो हमारा वाच्य होगा वो कर्ता वाच्य होगा क्या होगा कर्ता वाच्य होगा जब हम इसको कर्म वाच्य में बनाएंगे सभी लोग ध्यान दीजिएगा जब हम इसको कर्म वाच्य में बनाएंगे तो राधा में ने हटा देंगे राधा के साथ क्या करेंगे ने हटा देंगे क्योंकि ने तो कर्तावाच्य बताता है ने क्या बताता है कर्ता वाच्य बताता है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे राधा द्वारा क्या कहेंगे राधा द्वारा पत्र लिखा है तो पत्र को पत्र लिखेंगे पत्र को क्या लिखेंगे पत्र लिखेंगे यहाँ पर कहता है पढ़ा क्या कहता है पढ़ा यानी ये जो वाक्य है वह है सामान्य भूत में किसमें है सामान्य भूतकाल में है तो जब हम कर्म वाच्य में बनाएंगे जब हम कर्म वाच्य में बनाएंगे तो क्रिया संयुक्त तो होगी लेकिन सामान्य भूतकाल की ही रहे। <coughs> क्रिया आपकी सामान्य भूतकाल की रहेगी जैसे राधा द्वारा पत्र पढ़ा गया अब दोनों वाक्य देख लीजिएगा पहले कहता है राधा पत्र को पढ़ती है राधा पत्र को पढ़ती है तो क्या था राधा द्वारा पत्र पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें जो वाक्य था वह आपका वर्तमान का था यहाँ पर भी वाक्य आपका वर्तमान का है जब यहां पर क्रिया भूतकाल काल की थी तो यहाँ पर भी क्रिया भूतकाल काल की है आई होप आप बात समझ गए होंगे आई होप आप बात समझ गए होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सभी को समझ में आ गया कोई ऐसा जिसकी ना समझ में आया हो अब देखिएगा ध्यान से अगर हमें कर्मवाच्य से भाववाच्य बदलना हो हमने आपसे क्या कहा अगर हमें कर्मवाच्य से ऐसे नहीं अब दूसरा लिखेगा कर्ता वाच्य से कर्ता वाच्य से भाववाच्य सेकेंड हम क्या पढ़ने वाले हैं कर्ता वाच्य से भाववाच्य सेम सेम होता है थोड़ा अंतर होता है बस उसको समझ लीजिएगा जब कर्ता वाच्य होगा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखिएगा कर्ता वाच्य लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा तो कर्ता वाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है क्या होता है कर्ता प्रथमा में होता है मेरे साथियों कर्म द्वितीय में होता है और क्रिया क्रिया कैसी होती है क्रिया मेरे साथियों एकल होती है क्रिया कैसी होती है एकल होती है चाहे हम कह सकते हैं सकर्मक भी हो सकती है और मेरे साथियों अकर्मक भी हो सकती है क्या होगी सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी लेकिन जब भी कर्ता से चेंज करवाएगा तो हमें कर्म को हटाना होगा जब वाच्य से भाववाच्य बनवाएगा तो हमें कर्म को हटाना होगा आगे देखिएगा दूसरा क्या है कर्तावाच्य के बाद क्या आता है कर्म सॉरी कर्ता को हमें में बदलना है भाववाच्य में कर्ताच्य को भाववाच्य में अलका अगर भाववाच्य कर्ता होगा तो यहाँ पर भी हमें कर्ता को तृतीया में बदलना होगा कर्ता को हम किस में बदलेंगे तृतीया में बदलेंगे कर्म में भी तृतीया में और भाववाच्य में भी तृतीया में कर्म में भी कर्ता तृतीया में और भाववाच्य में भी करता तृतीया में ठीक है दूसरा अगर पूछा जाए कि कर्म तो याद रखना ये कर्म इसमें, कर, इसमें कर्म नहीं होता है कर्म रहित तो होती है क्योंकि अगर इसमें कर्म हो जाएगा तो कर्म वाच्य बन जाएगा अगर भाववाच्य में कर्म दे दिया जाए अगर भाववाच्य में कर्म आपको दे दिया जाए तो कर्म वाच्य हो जाना है अगर भाववाच्य में कर्म दे दिया जाए तो कर्म वाच्य हो जाना है ठीक है तीसरा देखिएगा तीसरा मेरे साथियों जो क्रिया होगी क्रिया कैसी होगी संयुक्त होगी क्रिया कैसी होगी संयुक्त होगी और अकर्मक होगी क्रिया संयुक्त अकर्मक होती है क्रिया संयुक्त अकर्मक होती है देखिएगा कर्ता जो पहले कर्ता वाचिका कर्ता प्रथमा में था हमें तृतीय में ले जाना पड़ेगा से या द्वारा द्वारा जोड़ना पड़ेगा कर्म जो में था कर्म किस में था, में था? कर्म जो होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा हटा देना है कर्म जो द्वितीय में था कर्म को हमें हटा ही देना है ठीक है तृतीय जो क्रिया जो एकल में थी वह क्रिया हम किस में करेंगे संयुक्त में करेंगे क्रिया जो एकल में थी उसको हम संयुक्त में बदलेंगे अब आप ये सोच रहे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल बता देती तो बहुत ही अच्छा होता सोच रहे होगे ना? सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो बताओ सोच रहे होगे सभी लोग अलका बिटिया तुम पढ़ लो तुम्हारा मन खाने पीने में ज्यादा लगता है है ना तो देखिएगा हमने सबसे पहले यहां पर एक वाक्य ले लिया देखिएगा यहां पर याद रखना है कि यहां पर कर्ता तृतीय में होगा कर्म कर्म रहित तो होगा क्रिया संयुक्त होगी अब यहां पर नोट बना के क्या लिखना है भाव अधिकतर नकारात्मक होते हैं क्या होते हैं नकारात्मक होते हैं व क्रिया वह क्रिया पुल्लिंग एक वचन में।, हो में होती है दुम्रें। दुम्रें दुम्रें में दुम्रें। दुम्रें दुम्रें। दुम्रें। में। पुल्लिंग एक वचन में होती है किसमें होती है एक वचन में होती है पुल्लिंग एक वचन में होती है क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है अच्छा ऐसी बात है चलिए देखते हैं जैसे यहां पर लिखा हो कर्तावाचिका वाक्य है मीना ने मीना ने पढ़ा मीना ने पढ़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या कहा मीना ने पढ़ा या मीना पढ़ती है कुछ भी हो सकता है मीना ने पढ़ा अब देखिएगा इसमें जो पढ़ने का कार्य है वो मेरे साथियों किसने किया यहाँ पर जो पढ़ने का कार्य है वो किसने किया मीना ने कहता है मीना ने पढ़ा मीना ने पढ़ा अब यहाँ पर देखिएगा ये भी याद रखना जब क्रिया भूतकाल की होगी तो हमेशा पुल्लिंग में होगी क्रिया जब भी भूतकाल की होगी तो हमेशा पुल्लिंग में होगी ठीक है ये याद रखना तो यहां पर कर्ता काम को करने वाला कौन है मीना इसमें क्या लगा ने तो हंड्रेड परसेंट कर्तावाच्य होगा हंड्रेड परसेंट क्या होगा कर्ता वाच्य होगा अब हमें किसमें बनाना है कर्मवाच्य में हमें किसमें बनाना है कर्मवाच्य में तो ने जो लगा है इसको हटा दो और मीना को तृतीया में ले जाओ कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से यानी यहां पर क्या हो जाएगा मीना से क्या हो जाएगा मीना से अब जो भाव होगा वो अधिकतर नकारात्मक होगा तो नहीं ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा क्रिया संयुक्त तो हो जाएगी ना क्रिया संयुक्त तो होगी लेकिन सदैव क्या रहेगी पुल्लिंग एक वचन में पुल्लिंग एक वचन में तो मीना से नहीं पढ़ा जाता मीना से नहीं पढ़ा जाता मीना से नहीं पढ़ा जाता या मीना से नहीं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है मीना ने पढ़ा यानी जो वाक्य है यहाँ पर जो वाक्य है वो भूतकाल का है तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो भी तो भूतकाल की होगी तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे मीना से नहीं पढ़ा गया।, गया मीना से नहीं पढ़ा गया मीना से नहीं पढ़ा गया Clear? सभी को समझ में आ गया इतनी बात एक और सेंटेंस बनवा देते हैं पहला सेंटेंस क्या है घोड़ा घास खाता है ध्यान दीजिएगा घोड़ा घास खाता है ये जो वाक्य होगा वो कर्ता वाच्य है ये वाक्य जो है वो कर्तावाच्य क्यों क्योंकि सबसे पहले कार्य कौन है कार्य कौन कर रहा है घोड़ा कर रहा है तो घोड़ा क्या है करता ठीक है घास क्या है क्या खाता है घास घास क्या है कर्म है और खाता है क्या है क्रिया है क्या है क्रिया है अब इसको जब हमें कर्म वाच्य में बदलना होगा सॉरी जब इसको हमें भाववाच्य में बदलना होगा सभी साथी हमारे ध्यान दें जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले जो घोड़ा कर्ता वाच्य में था सॉरी जो घोड़ा कर्ता में था कर्ता में ने लगता है कर्ता में क्या लगता है ने लगता है तो यहाँ पर कर्ता के साथ आया है क्या आया है कर्ता के साथ आया है तो ये हमारा क्या बता रहा है कि ये तो करता एक वचन में नहीं होगा करता वाच्य होगा तो ही करता एक वचन में होगा जब हम इसको भाववाच्य में बनाएंगे तो ये तृतीय में हो जाएगा क्या हो जाएगा घोड़ा द्वारा क्या हो जाएगा घोड़ा द्वारा ठीक है अब देखिएगा क्या हो जाएगा घोड़ा द्वारा ठीक है अब यहाँ पर घास घास कर्म है तो अगर कर्म है तो हमें कर्म को हटा देना है देखिएगा यहाँ पर हमने आपको बताया था यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कर्म रहित होगा और अगर कर्म है तो उसको हमें हटाना होगा क्या हो जाएगा कर्म को हटाना होगा तो कर्म को हम हटा देते हैं घोड़ा द्वारा और नहीं लगा देते हैं घोड़ा द्वारा नहीं खाया जाता है घोड़ा द्वारा नहीं खाया जाता है घोड़ा द्वारा नहीं खाया जाता घोड़ा द्वारा नहीं खाया जाता घोड़ा द्वारा नहीं खाया जाता <-स्यास> सभी को आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए हम लास्ट में एक वाक्य से तीनों वाक्य बनवाएंगे परेशान नहीं हुई है। हम हैं तो फिर क्या डर है प्यारे आगे देखिएगा तो हमने आपको कर्तावाच्य से कर्म वाच्य और कर्मवाच्य और कर्तावाच्य भाववाच्य में चेंज करवा दिया अब मान लीजिएगा ध्यान देना है अब इसका उल्टा चलते हैं अब हम क्या करेंगे इसका उल्टा चलेंगे कैसे अगर कहीं से ध्यान दीजिएगा अगर मेरे साथियों कर्म वाच्य दिया हो कर्म वाच्य दिया हो और कर्ता वाच्य पूछा जाए यानी हम कह सकते हैं कर्म वाच्य से कर्ता वाच्य में बदलना कर्म वाच्य से कर्ता वाच्य में बदलना कैसे बदलेगी देखिएगा सबसे पहले क्या आया कर्म वाच्य आया अब कर्म वाच्य का कर्म वाच्य का कर्ता तृतीय में होता है ठीक है कर्म प्रथमा में होता है और क्रिया क्रिया जो होती है वह संयुक्त सकर्मक होती है कैसी होती है संयुक्त सकर्मक होती है संयुक्त होती है ठीक है अब हमें क्या बनाना कर्तावाच्य कर्तावाच्य का मतलब क्या है कर्ता की प्रधानता कर्तावाच्य का मतलब क्या आप सभी लोग आंसर करें फटाफट ठीक है बातों में ना लगे रहे कि मेरे यहाँ आंधी आ गई मेरे यहाँ तूफान आ गया अरे भैया आपने अपने घर के अंदर बैठो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आंधी है चाहे तूफान है तुम लोग नहीं उड़ोगे ठीक है टॉपिक <laughs> खत्म नहीं हो पाया प्रैक्टिस सेट पहले होने लगता है देखो यहाँ पर हम तुमको यहां पर भी इतनी बिंदा प्रैक्टिस कराते हैं ना कि प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस तो रोज एक बजे होता है रोज बारह बजे होता है कहां सोते हो वो मिक्स प्रैक्टिस करवाते हैं अब देखिए यहां पर क्या होगा कर्ता की प्रधानता होगा तो मेरे साथियों कर्ता हमेशा प्रथमा में होगा कर्ता प्रथमा में कर्म द्वितीय में कर्म द्वितीया में और जो क्रिया होगी क्रिया आपकी क्या होगी क्रिया आपकी एकल अकर्मक और सकर्मक कोई भी हो सकती है एकल होगी अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है अकर्मक भी हो सकती है सकर्मक भी हो सकती है अकर्मक भी हो सकती है सकर्मक भी हो सकती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला देखिएगा जैसे यहां पर हम आपको एक वाक्य दिए दे रहे हैं सभी लोग जल्दी से इसको कर लें, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हो राम द्वारा पत्र पत्र हटा देते हैं आम खाया गया सभी लोग देखिएगा हमने क्या कहा राम द्वारा आम खाया गया अब देखिएगा यहाँ पर जो करता है उसमें क्या लगा है द्वारा द्वारा का मतलब कर्ता ने कर्म को यानी आम खाया गया कौन सी क्रिया हुई खाने की किसने की राम ने किसने की राम ने तो राम क्या है राम करता है राम क्या है करता और कर्ता के साथ क्या दिया है द्वारा तो या तो भाव होगा या तो भाव होगा या कर्म होगा या तो भाव होगा या कर्म होगा अब यहां पर आम भी दिया गया आम क्या है कर्म है तो निश्चित है कर्म वाच्य होगा जब द्वारा के साथ यानी द्वारा दिया गया हो और उसके साथ साथ कर्म भी दिया गया हो तो कर्म वाच्य हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्म वाच्य हो जाएगा क्रिया आपकी संयुक्त है क्रिया कैसी है संयुक्त है अब हमें इसको बदलना होगा कर्ता वाच्य में ये किस वाक्य का है कर्म वाच्य का है बदल दीजिएगा कर्ता वाच्य में बदल दीजिएगा कर्ता वाच्य में तो राम में द्वारा हटा दीजिएगा राम हो जाएगा चाहो तो ने लगा लो चाहो तो ने लगा लो राम ने ठीक है आम का आप आम लिख दीजिएगा आम लिख दीजिएगा और खाया गया का आप खाया गया लिख दीजिएगा क्रिया <coughs> एकल में रहेगी तो खाया हो जाएगा कर्ता वाच्य में बदल रहे होगे ना तो खाया हो जाएगा अब अगर आपसे कहा जाए भाववाच्य क्या कहा जाए अगर आपसे कहा जाए कि कर्तावाच्य हो गया एक भाववाच्य भी बना दो एक भाववाच्य भी बना दो जल्दी से भाई लवली छाप दीजिएगा कि जो कर्म वाच्य होता है कर्म वाच्य जैसा ही भाववाच्य होता है सब सब लोग याद रखिएगा कर्म वाच्य जैसा ही बिल्कुल भाववाच्य होता है सिर्फ उसमें सिर्फ भाववाच्य में कर्म नहीं होता है कर्म वाच्य में भाव नहीं कर्मवाची में भाव नहीं कर्मवाची में भाव नहीं एक गलती हो गई उल्टा बोल दिए भाववाच्य में कर्म नहीं क्या कहेंगे भाववाच्य में कर्म नहीं भाववाच्य में कर्म नहीं भाववाच्य में कर्म नहीं यानी जब हम इसका भाववाच्य बनाएंगे तो हम कर्म को गायब कर देंगे कर्म को क्या कर देंगे गायब कर देंगे और किसको जोड़ेंगे नहीं को किसको जोड़ेंगे नहीं को किसको जोड़ेंगे नहीं को तो देखिएगा क्या हो जाएगा राम द्वारा इतना तो भाववाच्य में ही रहेगा कर्म को हटा देना है और क्रिया पुलिंगिक वचन में ही रहने वाली है राम द्वारा नहीं और लगा दीजिएगा नहीं खाया गया राम के द्वारा नहीं खाया गया राम द्वारा नहीं खाया गया राम द्वारा नहीं खाया गया ठीक है बच्चा आम नहीं होगा आम तो कर्म हो जाएगा ना फिर ये कर्म वाच में चला जाएगा अलका ये बेटा तुम्हारा गलत हो जाएगा आम नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अब मेरे साथियों कर्म वाच्य से हम आपको भाववाच्य बताते हैं क्या बताते हैं कर्म वाच्य से भाववाच्य नोट करते जाना वरना ये कहोगे कि हमने लिखा नहीं कर्म वाच्य से भाववाच्य इसमें आपको मजा आएगा कि कर्म वाच्य से भाववाच्य कैसे होते हैं तो सबसे पहले कर्म वाच्य कर्म वाच्य कर्म वाच्य का कर्ता कर्म वाच्य के कर्ता में से या द्वारा लगा रहता है क्या लगा रहता है से या द्वारा लगा रहता है इसके साथ ही साथ जो कर्म होता है कर्म प्रथमा में होता है कर्म किसमें होता है प्रथमा में होता है ठीक है दूसरा जो क्रिया होती है क्रिया क्रिया मेरे साथियों संयुक्त और सकर्मक होती है कैसी होती है संयुक्त और सकर्मक होती है संयुक्त और सकर्मक होती है क्रिया कैसी होती है संयुक्त सकर्मक होती है जो आत्मीयन पदी है वही सकर्मक और अकर्मक है आत्मेयन पदी है ना वही सकर्मक और अकर्मक की तरह आपको आएगी इसमें आत्मीयन पति पर पदी नहीं होता इसमें सकर्मक और अकर्मक चलता है ठीक है आगे देखिएगा आगे देखिए जैसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में वर्णमाला होती है लेकिन संस्कृत में तो सूत्र होते अयुड़ रीलक होता है इंग्लिश में हमारी एबीसीडी होती है तो एक वाजा दूसरे से डिफर है ये नहीं कि आप में पदी को उसमें कुछ नहीं कहेंगे यहाँ पर हमारा अकर्मक और सकर्मक चलेगा देखिएगा अब यहां से हम बात करते हैं भाववाच्य सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाववाच्य भाववाच्य का का भी का भी कर्ता कर्ता में क्या जुड़ा होता है से या द्वारा जुड़ा होता है यानी कहने का मतलब तृतीय विभक्ति होती है क्या होती है तृतीय विभक्ति होती है तो अगर चाहे तो यहाँ पर हम दोनों जगह लिख सकते हैं तृतीय क्या लिख सकते हैं तृतीया तो लिख सकते हैं ठीक है दूसरा यहां पर देखिएगा अगर यहां पर पूछे कर्म तो यहां पर याद रखिएगा कर्म रहित यहां पर कर्म नहीं होता है कर्म नहीं कर्म नहीं थोड़ा धीरे धीरे इसको चलाया करें काफी तेज आवाज आती है बच्चे कहते क्या हो रहा है ठीक है अब तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्रिया होती है क्रिया क्रिया जैसे यहां पर संयुक्त तो होगी क्रिया संयुक्त होगी लेकिन संयुक्त के साथ अकर्मक होगी कैसी होगी अकर्मक होगी पुल्लिंग एक वचन में होगी पुल्लिंग एक वचन में, में होगी ठीक वही क्रिया आएगी जो राम के साथ आती राम पुल्लिंग एक वचन का है तो जो राम के साथ आएगी वही क्रिया आती है प्लस याद रखना प्लस मेरे साथियों नहीं भी जुड़ता है प्लस नहीं भी जुड़ता है प्लस नहीं भी जुड़ता है ठीक है जैसे अब देखिएगा एक वाक्य हम आपको बता रहे हैं और एक वाक्य से ही समझ लीजिएगा जैसे जैसे यहां पर हम कहें बच्चे ने बच्चे ने बच्चे द्वारा बच्चे द्वारा फल तोड़ा गया क्या हमने कहा हमने आपसे कहा बच्चे द्वारा फल तोड़ा जाता है हमने आपसे क्या कहा बच्चे के द्वारा फल तोड़ा जाता है तो देखिएगा ये पद और ये पद तो सेम सेम है यानी ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पर ये जो है ना ये कर्म वाच्य में है अब हमें किसमें बदलना है भाव वाच्य में तो ये वाला पद तो वही रहेगा यानी यहाँ पर आप लिखिएगा बच्चे द्वारा ये तो वही लिखा जाएगा ठीक है अब यहाँ पर कहता है कर्म जो है उसको हटा दो यानी फल नहीं जोड़ा जाएगा ठीक है बच्चे द्वारा फल की जगह आप क्या लिख दो यहाँ पर नहीं ऐड कर दो ठीक है बच्चे द्वारा नहीं अब देखिए यहाँ पर क्या है कहता है जो राम के साथ राम तोड़ा जाता है राम द्वारा तोड़ा जाता है तो वैसे ही बच्चे द्वारा फल तोड़े जाते हैं अब देखिएगा यहाँ पर बच्चे द्वारा बच्चे द्वारा फल नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि पुल्लिंग में होगा और एक वचन होगा एक वचन में रहेगा तो बच्चे द्वारा फल बच्चे द्वारा नहीं तोड़ा जाता है 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 क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर फाइनल में हम क्या करते हैं एक वाक्य लिख लेते हैं जैसे सुमन ने कहा था कि एक वाक्य लिखकर मैं तीनों वचन में तीनों वाक्यों में बता दो तीनों वाच्य में बता देते हैं ध्यान दीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर कर्ता वाच्य का वाक्य लिखा वो तो, तो आप समझ जाएंगे जैसे जैसे मीरा मीरा ध्यान दीजिएगा मीरा ने किताब खरीदी अब खरीदना क्या है क्रिया है खरीदना क्या है क्रिया है मीरा क्या है मीरा मेरे साथियों खरीदने की क्रिया किसके द्वारा की गई मीरा के द्वारा तो मीरा क्या हो गई करता हो गया किताब क्या हो गया कर्म हो गया और मेरे साथियों खरीदना क्या हो गया क्रिया हो गया अब ये जो वाक्य है ये हमारा किसमें हो जाएगा कर्ता वाच्य में होगा किसमें हो जाएगा कर्ता वाच्य में हो जाएगा ठीक है लिखा है कर्ता वाच्य में हो जाएगा ठीक है सभी लोग ध्यान दीजिएगा अब हमें इसको किसमें बनाना है कर्म वाच्य में किसमें बनाना है कर्म वाच्य में तो कर्ता को तृतीया में ले जाओ कर्ता को किसमें ले जाओगे तृतीया में ले जाओगे कर्ता को किसमें ले जाओगे तृतीय में ले जाओगे कर्ता किस में जाएगी तृतीया में जाएगी करता किस में जाएगी तृतीया में जाएगी यानी यहाँ पर मीरा में क्या हो जाएगा द्वारा लग जाएगा मीरा द्वारा ठीक है कर दिया हो गया किताब प्रथमा में हो जाएगा तो किताब को हम किताब कहेंगे और क्रिया कैसी हो जाएगी संयुक्त तो हो जाएगी यानी खरीदी गई मीरा द्वारा किताब खरीदी गई ठीक है ये क्या हो जाएगा कर्मवाच्य का हो जाएगा किसका हो जाएगा कर्म वाच्य का हो जाएगा ठीक है क्लियर आगे देखिएगा दूसरा हम क्या करते हैं दूसरा हो जाएगा अब दूसरा आपको भाववाच्य में बदलना है किसमें बदलना है भाववाच्य में तो करता तो जैसा है वैसा ही लिख दो क्योंकि कर्म और भाव का कर्ता एक जैसा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीरा द्वारा ठीक है कर्म को हमें हटाना होगा इसकी जगह नहीं जोड़ना होगा क्या जोड़ना होगा नहीं जोड़ना होगा क्रिया यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग में कहते खरीदी खरीदी तो क्रिया किसमें स्त्रीलिंग में है तो मीरा द्वारा नहीं अब इसे हमें पुल्लिंग में बदलना है मीरा द्वारा नहीं खरीदा गया मीरा द्वारा नहीं खरीदा गया मीरा द्वारा नहीं खरीदा गया या मीरा द्वारा नहीं खरीदा जाता मीरा द्वारा नहीं खरीदा जाता क्लियर तो मेरे साथियों ये तो आपके थे वाच्य ठीक है अब यहां पर याद रखना है यहां पर आपको क्या याद रखना है नोट बना के लिख लेना भाववाच्य और कर्म वाच्य में कर्म वाच्य में कर्ता एक समान रहता है कर्ता एक समान तृतीया में रहता है तृतीया में रहता है भाववाच्य में क्रिया भाववाच्य में भाव प्रधान भाव प्रधान होता है यानी अधिकतर नकारात्मक में होता है अधिकतर नकारात्मक में होता है व क्रिया व क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहती है पुल्लिंग एक वचन में रहती है तो, तो मेरे प्यारे साथियों आपको जो वाच्य वाला चैप्टर था वो कितना प्रतिशत समझ में आया फटाफट -पड़ कमेंट करिएगा सभी लोग फटाफट -पड़ कमेंट करें और आज आपका वाच्य द एंड हो गया आज आपका वाच्य एंड हो गया अच्छा एक बात बताओ सभी लोग आंसर दीजिएगा ठीक है साइड में कर देते हैं जो जब हमने आपको शब्द पढ़ाया था याद रखेगा जब हमने आपको शब्द पढ़ाए थे तो शब्द के, के प्रकार पढ़ाए होंगे ठीक है संज्ञा पढ़ाया होगा सर्वनाम पढ़ाया होगा क्रिया पढ़ाई होगी क्रिया विशेषण पढ़ाए होंगे क्रिया विशेषण पढ़ाए होंगे क्रिया विशेषण पढ़ाया होगा है ना फिर मेरे साथियों संबंध सूचक शब्द पढ़ाए होंगे फिर समुच्च वाचक पढ़ाए होंगे समुच्च वाचक पढ़ाए होंगे फिर विस्मय सूचक पढ़ाए होंगे जो नहीं पढ़ाया होगा अभी मार्क कर देना फिर साथियों विशेषण की अवस्थाएं पढ़ाई थी विशेषण की अवस्थाएं पढ़ाई थी ठीक है इसके अलावा लिंग पढ़ाए थे वचन पढ़ाए थे शायद कारक नहीं पढ़ाए या एक बात बताओ कारक पढ़ाए हैं क्या कारक मुझे नहीं याद है इसके अलावा काल पढ़ाए और आज हमने आपको वाच्य पढ़ाया आज हमने आपको वाच्य पढ़ाया ठीक है इसके अलावा हमने पुरुष पढ़ाए पुरुष कोमल साहु आपकी मैथ बहुत वीक है एक सौ दो परसेंट होता नहीं है हंड्रेड परसेंट ही होता है क्या तुमको मैथ वाले टीचर पढ़ाते होंगे <laughs> क्यों कहीं ना कुछ नहीं मैथ वाले गुरुजी सामने बैठे हैं आपके कमेंट पढ़ रहे हैं इसको पुल्लिंग एक वचन में बदलना है जैसे राम के साथ जो क्रिया लगेगी वही क्रिया लगाओ अगर क्रिया पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में लगाओ अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं सुनीता जो क्रम है वही चलेगा अलंकार अभी नहीं होगा सबसे पहले जब ये खत्म हो जाएगा फिर समास होंगे समास के बाद फिर आपका चलेगा वाक्य जब वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे फिर रस छंद अलंकार होंगे फिर एक दिन आपको विलोम एक दिन पर्यायवाची एक दिन समानार्थी एक प्रोपार्थी जितने भी अर्थी होती है सारी उठा देंगे ठीक है परेशान नहीं हो सारे सारा कोर्स होगा चलिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद thank you thank you thank you good night tata bye bye